please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अप्रैल में योगी आदित्यनाथ का एक पत्र मीडिया और सोशल मीडिया में छाया। पत्र योगी ने अपनी माँ को लिखा था। पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा कि वो लॉकडाउन की सफलता के हित में अपने पूर्वाश्रम के जन्मदाता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकेंगे। वो अपने पिता के बारे में ऐसा कह रहे थे। माँ को पत्र लिखकर सूचित किया कि वो पिता से उनके अंतिम पलों में मिलना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के प्रति अपने कर्तव्य के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे। योगी का ये पत्र देश के लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में उन दिनों खूब लगाया। कर्तव्य परायणता की ये छवि उनसे पहले लोग सिर्फ मोदी जी में देखते रहे, और अचानक योगी के इस फैसले ने उन्हें लोगों की भावनाओं के चरम पर बैठा दिया। क्योंकि पिता की मौत कभी सियासी कार्ड नहीं होती जिसे कोई इस तरह से इस्तेमाल करे। योगी ने वो कर्तव्य निभाया जिसके निभाए जाने की कल्पना कम की जाती है। दरअसल वो दो कर्तव्यों को एक साथ निभा रहे थे, एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य और दूसरा अपने सन्यासी होने का कर्तव्य। इस पर उनके विपक्षी भी उस वक्त कुछ नहीं बोल सके। इस बात के बाद से लोग उनको अपने दिलों में अगला प्रधानमंत्री जो मोदी के बाद कोई बन सकेगा उस जगह देख रहे हैं। परंतु देश ने इस पद की जद्दोजहद जो है दो लोगों के बीच रखी है। एक तरफ योगी हैं, दूसरी तरफ अमित शाह हैं। गोरखपुर में एक मंदिर के महंत की भूमिका से लेकर देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के मुख्यमंत्री बनने का सफर योगी की कट्टर हिंदू छवि की वजह से हो पाया, और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चाही गई छवि के व्यक्ति भी हैं। इसलिए शाह और योगी के घमासान में वो ही अकेले प्रधानमंत्री पद के दावेदार व्यक्ति बनते जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी को यहाँ तक और मोदी जी के सच्चे सिपह सालार शाह को टक्कर दे पाना कोई मामूली काम भी नहीं है। गांधीनगर में पार्टी अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने इरादे जाहिर किए थे। वो 2019 के बाद पार्टी अध्यक्ष नहीं रहना चाहते थे, और हुआ भी यही। अमित शाह ने उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का नहीं अपनी ताकत दिखाने को उन्होंने उस वक्त तरजीह दी थी। अपने नामांकन में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को बुलाया और चुनाव के बाद वो खुद उनकी जगह लेने वाले साबित हुए। उनकी नामांकन रैली में आपको याद हो तो बिहार से रामविलास पासवान खुद गुजरात से आए थे। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र से नितिन गडकरी अपना चुनाव प्रचार बीच में छोड़कर उनकी चुनावी सभा में शामिल होने पहुंचे थे। दिल्ली से अरुण जेटली को भी तलब किया गया था, वो भी वहां पर उस वक्त मौजूद थे। इसके अलावा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी अमित शाह की प्रशंसा में लगे हुए दिखे, क्योंकि अमित शाह अपनी महत्वाकांक्षा के बीच अब शायद योगी को देखने लगे थे। जिस तरह से वो उभरे उसने अमित शाह के अगले आसान प्रधानमंत्री बनने के सपने के बीच अड़ंगा डाल दिया। अमित शाह मोदी जी के बाद अपना रास्ता उस वक्त साफ देख रहे थे, लेकिन उन्हें अब अपनी ताकत भी जतानी पड़ी, और वो मोदी के बाद नंबर दो रहने वाले पद पर बैठने के लिए उतावले हो गए, और वो वहाँ बैठ भी गए। ये उनकी सियासी शांति का पहला खलल था। इधर योगी बनाम शाह को लोग बहुत पहले से हवा देने लगे हैं, और लोकसभा से पहले खुसुर-फुसुर भी शुरू हो गई थी कि पार्टी अपना अध्यक्ष बदलेगी और शाह जो है वो नई भूमिका में होंगे, और ये कयास जो है वो सही साबित हुआ। इधर योगी ने वही तरीका अपनाया जो मोदी ने सत्ता में आने के लिए चुना था। मोदी लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नेताओं को ठिकाने लगाकर आगे निकल गए, और उन्होंने मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया। वैसे ही योगी ने भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल दूसरे प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ सत्ता हासिल करने में कामयाबी हासिल की। कोई कह नहीं सकता था कि मनोज सिन्हा या केशव प्रसाद मौर्य को पछाड़ कर वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। वो मनोज सिन्हा जिन्होंने अपने ज्योतिषी पर गुस्सा होते हुए कहा था कि आप कुछ भी बोलते हैं, मैं ही कल 11 बजे मुख्यमंत्री की शपथ लूंगा। लेकिन योगी को अगले दिन लखनऊ बुला लिया गया और मनोज सिन्हा को दिल्ली। शायद बीजेपी ने संघ की हिंदू महत्वाकांक्षा के सामने घुटने टेक दिए थे। एक और बात, योगी ने जिस तरह से
उन्होंने कट्टरपंथी हिंदू होने की अपनी छवि का इस्तेमाल किया है, वो तरीका काफ़ी हद तक नरेंद्र मोदी से मिलता जुलता है। ये समानता अब उतनी नहीं है जितनी मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए थी। वो अब प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी छाया अगर आप किसी में देखना चाहें तो वो मुख्यमंत्री रहते वक्त योगी से काफ़ी हद तक मिलती थी। योगी ने अपनी हिंदुत्व की छवि को, जो उनकी राजनीतिक छवि भी है, उसे ठीक नरेंद्र मोदी की गोधरा के बाद बनी छवि की तरह बनाया। दोनों ने ही अपनी छवि का इस्तेमाल आखिरकार राजनीतिक फायदे के लिए किया। अमित शाह लोकसभा की लिस्ट में नंबर 2 थे और राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी तीसरे और क्रमशः चौथे नंबर पर हुआ करते थे। हुआ भी यही कि लोकसभा की जीत के बाद शाह 2 नंबर, राजनाथ सिंह तीसरे और गडकरी चौथी रैंक पर हैं। मोदी जी का एक इंटरव्यू 2024 में प्रधानमंत्री की जगह किसी और के बन सकने का इशारा करता है। ये पहले ही दिया गया उनका एक इंटरव्यू है। मोदी ने 2019 से 24 तक सत्ता के हस्तांतरण से इनकार किया था और सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में काम करने को स्वीकारा, लेकिन 2024 में चेहरा बदलने की बात भी उन्होंने स्वीकार की थी। 2019 में शाह पर चुनाव लड़ने का कोई प्रेशर नहीं था, उनका राज्यसभा का कार्यकाल बाकी था, लेकिन योगी की दिन ब दिन बढ़ती हुई लोकप्रियता अब उनको बेचैन कर रही थी। वो चाणक्य से चंद्रगुप्त बनना चाहते थे और उन्होंने नामांकन के वक्त देश के तमाम पत्रकारों के दिमाग में ये डालने की कोशिश की कि वो कोई चुनाव नहीं हारे और वो बीजेपी के मोदी के बाद सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय नेता हैं, क्योंकि जब जब वो चुनाव जीते उनका वोट का अंतर बढ़ा, यानी वो लोगों के बीच बहुत चहेते बनकर उभर रहे हैं। योगी के साथ एक समस्या है कि वो अमित शाह के अंधभक्त हैं, क्योंकि अमित शाह ने ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। अमित शाह ने योगी के मुख्यमंत्री बनते वक्त ये जताया था कि वो पार्टी के खिलाफत के बाद भी योगी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। इस लड़ाई में एक चेहरा जो संघ का चेहरा है वो है शिवराज सिंह चौहान, जो खुद बीजेपी के संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं, इसलिए बेहद ताकतवर भी हैं। संघ उन्हें मध्य प्रदेश से आगे दिल्ली की तरफ सक्रिय होने का इशारा भी कर चुका है, लेकिन उनके सामने भी अमित शाह चट्टान है, क्योंकि वो भी उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, कम से कम अभी तो नहीं जाएंगे। एक बात जो इस पूरे मसले को निष्कर्ष तक ले जाती है वो ये है कि शिवराज तीसरे नंबर पर हैं। दूसरी बात, इस बात से नंबर 1 हो जाते हैं अमित शाह प्रधानमंत्री की रेस में, लेकिन अगर मोदी की तरह जैसे आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों के कंधे पर पैर रखकर प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो योगी आदित्यनाथ ही प्रधानमंत्री होंगे और जनता शाह से ज़्यादा उनको चाहने भी लगी है, और ये चाहत जैसे बढ़ रही है उससे शाह को चिंता हो सकती है। योगी ने अपनी वफादारी को दांव पर रखा तो वो अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ये बात तय है। ये एक जनता का विश्लेषण था, जनता के दिलों की बात थी, सियासत की बात थी, ये हमारा मुद्दा नहीं है कि कौन अगला प्रधानमंत्री होगा, लेकिन ये एक कयास है जो लोग इस वक्त से जानना चाहते हैं। हमारे साथ बने रहिए, हमारी खबरें देखते रहिए, किस्से देखते रहिए, और अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगली खबर तक हमारे साथ बने रहें। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.